हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब लोग? तो काफ़ी दिनों से ना ब्लॉग नहीं आ रहे और मैं श्रीनगर में हूँ, तो उसका रीज़न भी आपको बहुत जल्दी पता ही चल जाएगा। तो पहले आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं श्रीनगर से। तो आइए दोस्तों, श्रीनगर से कुछ बात करते हैं, श्रीनगर से एक नई मुलाकात करते हैं और एक नई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू नमस्ते गढ़वा ब्लॉग्स। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी तरह काम में व्यस्त होंगे। तो थोड़ा दिनों से कुछ आपने देखा होगा ब्लॉग्स में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, मतलब प्रॉपर टाइम पे नहीं आ रहे थे। तो दरअसल मैं श्रीनगर में हूँ और ऐसी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिस वजह से जो है ना ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। तो मिलना मुझे, जल्दी आना। और अभी जो है सुमित और मैं श्रीनगर में हैं, तो यहाँ से हमें जाना है श्रीकोट। तो श्रीकोट चलते हैं सबसे पहले और श्रीनगर भी आपको दिखाते हैं। अब जो है हम वो पौड़ी बस स्टैंड के पास में पहुंच चुके हैं और यहाँ से थोड़ा सा आगे निकलेंगे। तो यहाँ आगे पे ना हमें गाड़ी मिलती है, जो रुद्रप्रयाग वगैरह सारी जगह के लिए गाड़ी मिलती है ना, तो वहीं पे जाएंगे और वहाँ से हमें जो है वो श्रीकोट के लिए गाड़ी मिलेगी। और वहाँ पे स्टैंड है तो वहाँ पे चलेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे और गाड़ी अगर जल्दी मिल जाएगी तो जल्दी निकल जाएंगे। तो अभी जब हम पहुँचे वो श्रीनगर के बस स्टैंड पर पहुँचे हैं और यहाँ से आपको ना सारी जगह की गाड़ियाँ मिल जाती हैं। तो वैसा है तो ऐसे जाने डायरेक्टली सारी बसें एक बार यहाँ पे रुकती है और उसके बाद ही जाती है। तो हम जो है यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे गाड़ी ढूँढने के जो सी गाड़ी मिलेगी उसमें निकलेंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं घर में। तो आप सोच रहे होंगे कि कुछ टाइम पहले ये श्रीनगर में था और अभी ये घर में पहुंच चुका है। तो वो वीडियो ना दो दिन पहले किया है और मतलब आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले से जो मेरी वीडियोस थी वो प्रॉपर नहीं आ रही थी, तो उसका एक रीज़न था, वो भी बता दिया हूँ आपको। तो बात जो है वो कुछ ऐसी है कि दो तीन दिन तक मेरे ब्लॉग्स नहीं आए, तो उसका रीज़न कुछ ऐसा है कि मैं जो है श्रीनगर हॉस्पिटल में था तीन दिनों तक। तो हॉस्पिटल में क्यों था उसका भी आपको रीज़न धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये स्टोरी सुनते जाओगे आपको पता चलता जाएगा। तो हुआ ये था कि जब हम श्रीनगर पहले हम यहाँ से निकले तो पहले अगस्तवनी हॉस्पिटल में गए, तो अंकल जी की जो थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वजह से हम उन्हें लेके जो है वो हॉस्पिटल गए थे। तो शाम के टाइम था 7:30 बजे का, तो हम निकले थे और यहाँ से जब हम अगस्तवनी गए तो अगस्तवनी वालों ने थोड़ा फर्स्ट एड किया ओनली, और उसके बाद रेफ़र हो गए थे रुद्रप्रयाग के लिए। तो रुद्रप्रयाग जाने के बाद फिर रेफ़र हो गए श्रीनगर के लिए, तो श्रीनगर था। तो श्रीनगर में हुआ ऐसा कि जाने के बाद पहले नॉर्मली एक्सरे हुआ और सीटी स्कैन हुआ। तो सीटी स्कैन में कुछ पता नहीं चला ज़्यादा खास, थोड़ा सा पता चला कि सर के यहाँ पे चोट लगी है, बाकी जो एक्सरे थे और उनमें कुछ पता नहीं चला। तो देखो हॉस्पिटल में कैसा काम हो रहा था कि अंकल के गर्दन पे चोट लगी हुई थी तो गर्दन का एक्सरे नहीं किया, बाकी पूरे शरीर का कमर से ऊपर एक्सरे किया, तो गर्दन का एक्सरे नहीं किया। और गर्दन का एक्सरे लिख के दे रहे हैं रात को 1 बजे, तो 1 बजे एक्सरे नहीं हुआ। तो सुबह जब एक्सरे हुआ तो गर्दन में भी ज़्यादा कुछ नहीं निकला, उन्होंने कुछ बताया नहीं खास। तो उसके बाद जब हम हड्डी के डॉक्टर के पास गए तो हड्डी के डॉक्टर ने फिर से वही एक्सरे लिख के दिए जो हमने पहले करवा लिए थे। तो जब हमने बोला कि हमने ये एक्सरे करवा लिए हैं तो आप इन्हें फिर से मंगा के आप इनको चेक कीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनको अपनी फ़ीस बनानी थी। तो मना किया तो बोला एक्सीडेंट केस में हम देते नहीं हैं। और जबकि हमें पता है कि जो एक्सरे होते हैं उसमें दो फाइल्स बनती है, एक MLT में जाती है जो रिकॉर्ड के लिए होती है,
और एक हार्ड कॉपी डॉक्टर के पास जाती है और एक पेशेंट को मिलती है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसके बाद हुआ ऐसा कि मैंने काफ़ी बहस की, काफ़ी कुछ हुआ, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और फिर हमें जो है प्राइवेट में एडमिट करवाना पड़ा। प्राइवेट में एडमिट करवाने के बाद फिर से एक्सरे जब हुए तो तब हमें पता चला कि थोड़ा चोट लगी है गर्दन में और कमर साइड में। तो देखो यही होता है कि अगर सरकारी में वो हमें वो एक्सरे दे देते और प्रॉपर रूप से एक्सरे कर देते तो ये सारी चीज़ें पता चल जाती, लेकिन जब उन्होंने मुझे ये चीज़ समझ लिया है, जब उन्होंने गर्दन का एक्सरे देखा, कमर का एक्सरे देखा, तब सरकारी वालों को कैसे पता नहीं चला कि यहाँ पे चोट लगी है और प्राइवेट वालों को कैसे पता चला कि यहाँ पे चोट लगी है। तो ये डिफरेंस होता है। और क्या बताऊँ कि मतलब कोई भी काम जो है ना वो ढंग से नहीं होता है। और ऐसे जो ये सीन होते हैं तो ये बोलते हैं कि यार गवर्नमेंट में आप ये नहीं करते, गवर्नमेंट वो नहीं करते। भाई गवर्नमेंट में आप जो है ना एक काउंटर से दूसरे काउंटर पे भेजने में लगे रहते हैं, उस टाइम प्राइवेट में सारे काम हो जाते हैं। तो इसीलिए लोग ना ज़्यादा प्राइवेट पे विश्वास करते हैं और भले दो पैसे ज़्यादा लगे लेकिन क्या होता है ना प्राइवेट पे विश्वास करते हैं। तो अब जो है वो शाम के 6 बजने वाले हैं और मैं और आंसू जो है घूमने निकला है। वैसे आंसू अपने नानी के गांव में आया और काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद आया, तो इसे बोला कि चलो कहीं शाम को घूमने चलते हैं। मैंने कहा ठीक है चलते हैं और अब जो है वहीं जा रहे। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? हेलो गाइस, श्रीनगर की गर्मी से तो मैं जो श्रीनगर गया था ना वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, तो उस वजह से जो है वहाँ पे रहना ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है भाई। वहाँ पे मतलब बिना पंखे के आप रह नहीं सकते और यहाँ पे रहना काफ़ी इजी है ना। बिना पंखे के रह सकते हैं ना, यहाँ रह सकते हैं, वहाँ नहीं रह सकते, वही यही की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखा यही होती है शहरों की लाइफ और गांव की लाइफ। थोड़ा आगे घूमने के बाद देखो हम क्या ले आए, माजा और टेढ़े मेढ़े। माजा पियो मजे करो, टेढ़े मेढ़े खाओ और सीधे चलो, ऐसे इधर उधर ना चले। तो अभी हमारा ना थोड़ा सा ठंडा पीने का मन हो रहा था, इसलिए हमने पिया बिल्कुल पिया। और अब यहाँ से जो है अंधेरा भी काफ़ी हो रहा है ना, तो जल्दी जल्दी घर चलते हैं। तो रात के बज रहे हैं 9 और एक नई वीडियो रात को शूट हो रही है। तो मेरा तो खाना हो गया है, रात के 9 बज रहे हैं, लेकिन आप ये ब्लॉग सुबह देख रहे होंगे। और अभी जो है बारिश आ रही है बाहर, और ये 2-3 दिन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश आएगी। और अब जो है बारिश आ रही है तो सोच रहा हूँ कि मतलब रात को वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ कि थोड़ा बारिश लगी हुई है। तो आपको जो है आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आप जो अगले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक टाइम पे पहुंच जाए और वो मिस ना हो। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन वीडियो से रिलेटेड, मुझसे रिलेटेड कुछ भी पूछने हो ना तो वहाँ पे आपको आसानी से मैं दे सकता हूँ। तो तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद।